तो एक तरफ पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन कर सीधे लोगों से संवाद कर सकते, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार नोटबंदी पर पीएम से जवाब मांग रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ बड़े आरोप लगाए। नाम ले लेकर पूछा कि चहेतों को आखिर क्यों बचा रही है सरकार। नोटबंदी को लेकर पीएम पर बड़ा हमला। 3 दिन में 500 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। कैश के नाम पर डबल गेम का आरोप। और आरएसएस द्वारा नोटबंदी के निर्णय से पहले खरीदी गई, उस पैसे का स्रोत क्या था। अमित शाह पर भी कांग्रेस का निशाना। अमित शाह जी की जांच क्यों नहीं होगी। कांग्रेस के करोड़ों अमित शाह के खिलाफ जांच की मांग। भाजपा के लखनऊ कार्यालय में पैसा कैश में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। कांग्रेस ने नोटबंदी और कैश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। वो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर है, उस कोऑपरेटिव बैंक में जिसके वो डायरेक्टर है, संचालक है। नोटबंदी 8 नवंबर को होती है, 3 दिन में 500 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। अमित शाह जी की जांच क्यों नहीं हो रही। और नोटबंदी से ठीक पहले इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक गाड़ी पकड़ी जाती है स्विफ्ट, उस गाड़ी में 3 करोड़ रुपए की कैश राशि पकड़ी जाती है। जब पुलिस स्टेशन में ले जाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के वहां के अध्यक्ष अशोक मोंगा जी अमित शाह जी की ओर से एक पत्र लेकर थाने में पहुंचते हैं लिखित में, जिसमें लिखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय यानी अमित शाह जी के कार्यालय से भाजपा के लखनऊ कार्यालय में पैसा कैश में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। मोदी जी, पूरे देश को तो आप कह रहे हैं डिजिटल हो जाओ, आप अपना पैसा 3-3 करोड़ रुपया कैश में भेजते हैं, ये पैसा कहां से आया। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जिस चिट्ठी का हवाला दिया है वो बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के अकाउंट हेड मनोज गुप्ता की है। बीजेपी का कहना है कि वो अमित शाह का पत्र नहीं था। बहरहाल कांग्रेस ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। आपको तो 2000 रुपया या 4000 रुपया बैंक नहीं देगा, पर कुछ लोगों के पास अरबों रुपए करोड़ों रुपए का नई करेंसी दी जा रही है, पकड़ी जा रही है। जो पकड़ी गई है वो तो सारी मिलाकर 5 लाख करोड़ में से, ये इनकम टैक्स की फिगर है कि लगभग 2500 या 3000 करोड़ है, पर बाकी कितनी है ये किसी को मालूम नहीं। मोदी जी, पूरे देश को तो आप कह रहे हैं डिजिटल हो जाओ, आप अपना पैसा 3-3 करोड़ रुपया कैश में भेजते हैं, ये पैसा कहां से आया। और आप कैश में पैसा क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, जब आप लोगों को कहते हैं चाय का पैसा पेटीएम से दो तो आप 3-3 करोड़ रुपया कैश में भेजते हैं, ऐसा क्यों। कांग्रेस का सवाल है कि जब पीएम देश को कैशलेस बना रहे हैं तो उनकी पार्टी और नेता को बड़ी मात्रा में कैश की जरूरत क्यों है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पंकजा मुंडे की सांसद बहन पर भी सहकारी बैंक में बड़े पैमाने पर कैश जमा करने को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के ये आरोप नोटबंदी की सियासत में सुर्खियां बन रहे हैं। आज तक ब्यूरो।